कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मेरा मुर्शिदाबाद रोड में जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का सदस्य। आज हम पूरे हरियाणा में एक राष्ट्रपति के नाम महामहिम के नाम ज्ञापन दिया है, जो कि हरियाणा में 106 स्कूल जो ये डूंगी बेरी सरकार हमारे दलित पिछड़ों कमजोर बच्चों की जो शिक्षा पढ़ाई उसके बारे में जो ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं बंद किए हैं उसके बारे में ज्ञापन दिया है। और दूसरा 134A के तहत जो स्कूल इन्होंने सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन वो बंद किया है, और जो हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन वृद्ध पेंशन बंद की उसके बारे में आज पूरे हरियाणा में हेडक्वार्टर पे बहुजन समाज पार्टी इस पर महामहिम के नाम सबको ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग है कि जो 105 स्कूल बंद किए जल्दी जल्दी बहाल किए जाए, और 134 टाइम बच्चों को एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में किया जाए और बुढ़ापा पेंशन है उनको लागू किया जाए। क्या मानते हो क्यों बंद किए गए स्कूल? ये हमारी दलित पिछड़ा विरोधी और कमजोर विरोधी सरकार है। आज से जब से 2014 में ये भारत सरकार में ये बीजेपी सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, ये गरीबों की दलितों की पिछड़ों की विरोधी सरकार है। जबकि अभी हमारे राजस्थान में वो हमारा देश का एक हिस्सा है राजस्थान है, वहाँ कांग्रेस सरकार है, वहाँ भी एक दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं, मटके पे पानी पीने से अत्याचार किया। आदमपुर में ये घटना हुई, मध्य प्रदेश में एक बच्चे के एक मैडम मुंह में डंडा छोड़ने लाठी डाल दी, उसमें ये गलत किया है जो दलितों और पिछड़ों विरोधी है। हम ये मांग करते हैं कि हमारे दलितों की विरोधी सरकार इनको उखाड़ फेंकने का काम करे, ये हमारी मांग है। अगर इन सबके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे पूरे हरियाणा में पूरे भारत में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक पूरे भारत में अन्याय करेगी, और हमारी बहन जी मायावती जी नेतृत्व में पूरे भारत में ऑपरेशन करेगी। भारत आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज जो हमारे SC BC समाज के जाति अनुसूचित जाति जनजाति के जो आवाज़ उठाने के लिए आपने काम किया, नहीं तो इस देश के अंदर बिका हुआ मीडिया, सोई हुई जनता और चुप बैठा विपक्ष देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। दिन ब दिन देख रहे हैं अशोक सम्राट ने 84,000 यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी, आज वो यूनिवर्सिटियाँ कहाँ हैं, गायब कर दी गई इन लोगों ने। क्या मंदिर मस्जिद हैं जो ये धर्मों के नाम पर जो राजनीतियाँ रोटियाँ सीख रहे हैं, क्या मंदिर से लोग शिक्षित हो जाएंगे? आज जापान में अमेरिका में बड़े बड़े फॉरेन कंट्री में चले जाइए, शिक्षा को महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ के अंदर देखिए इस भारत देश के अंदर कभी मूछे रखने पे, कभी मटके को छू लेने से इतना, कभी मान के चलो भी जो जनजाति अनुसूचित जाति उन लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता है कि जाति कभी नहीं जाती। इस भारत देश के अंदर जाति पर भी राजनीतियाँ लोग कर रहे हैं, और जब बात इलेक्शन की आती है तब ये सभी हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जब बात हक और अधिकार की आती है तब ये लोग दलित हो जाते हैं, आदिवासी पिछड़े लोग हो जाते हैं। तो मैं तो इसी जो ये गूंगी बहरी निकम्मी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी, एक नागनाथ एक सांपनाथ है, इन्होंने कभी भी इस देश के अंदर सही नीति से काम नहीं किया। हमारे लोगों को शिक्षा फ्री चाहिए, हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें अनाज फ्री मत दीजिए। हमारे लोग जिस दिन शिक्षित हो गए उस दिन हम अपने महल बंगले अपने आप बना लेंगे, हमें शिक्षा फ्री चाहिए, स्वास्थ्य फ्री चाहिए और रोजगार चाहिए। जो आज ये सरकार जो ये मुहिम चला रखी है कि अनाज फ्री में दे रहे हो, अरे मत दीजिए अनाज, हमें हमारे लोगों को अनाज फ्री में नहीं चाहिए, हम दिहाड़ी मजदूरी करके रोटी अपना पेट पाल लेंगे, हमें शिक्षा फ्री चाहिए। ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है और सरकारी स्कूलों को जो बंद कर रही है, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मेरे SC BC समाज के जो जनजाति पिछड़े जो लोग हैं आदिवासी जो लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये सरकार आपकी शिक्षा व्यवहार कर रही है कि ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। अगर ये बच्चे आपके नहीं पढ़ेंगे तो इनकी गुलामी करेंगे, इनके झाड़ू पोछे लगाएंगे। ये शिक्षा 10वीं तक इन्होंने बोल दिया कि इन बच्चों को फेल नहीं करना। अब प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस देखिए आप, 2-2 लाख रुपये 3-3 लाख रुपये बच्चों की फीस है, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले 200-300 रुपये की वो घर का चूल्हा चलाएगा, बच्चों की फीस भरेगा। आज हम ये युवा साथी हैं इन मुर्दों की बस्ती में क्रांति पैदा करने के लिए आए हैं, अगर आज भी नहीं जागे ना तो आने वाला समय बहुत ख़राब है, ये आने वाली नस्ल की लड़ाई है। इसलिए मैं हरियाणा के जितने भी साथी हैं युवा नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि आप उठिए, शहीद भगत सिंह बनिए, शहीद उधम सिंह बनिए, जीते अपने लिए पशु भी हैं लेकिन हम पशु के समान जिंदगी जी के नहीं जाएंगे, चारा खा करके नहीं जाएंगे, इस देश हित में और समाज हित में बहुत कुछ बदलाव करके जाएंगे। मेरा नाम सुधीर है, मैं यहाँ सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में
मास्टर डिग्री की पढ़ाई करते हैं और आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के एक झंडे के नीचे इकट्ठे हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट भी हमारे इंक्लूड हैं। वो इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि जो 105 स्कूल जो हरियाणा सरकार ने बंद कर दिए हैं, वो रीज़न सिंपल सा है, उनकी मंशा एक है कि वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेट बना रहे हैं सभी को, सारे स्कूलों को प्राइवेट बना देंगे। हम आज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आज हम बताते हैं कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई का फ़ायदा क्या हुआ, आगे जाके हमें सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए तो हमें पढ़ना पढ़ रहे हैं, इसीलिए सरकारी नौकरी चाहिए कि किसी स्कूल में कहीं पढ़ाएंगे, जहाँ सरकारी स्कूल ही नहीं रहेंगे हम पढ़ाएंगे कहाँ। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं नुकसान इसका, तो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूलों में तो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि वहाँ उनकी औकात नहीं है, उनको मतलब इतना पैसा है नहीं उनके पास कि वो वहाँ पढ़ा सकें। एक सरकारी स्कूल बसते थे उनको उन्होंने बंद करते जा रहे हैं धीरे धीरे, ये शुरुआत है अभी अभी, ये पहली सीढ़ी है इनकी शिक्षा को भी प्राइवेट करने की, पहली सीढ़ी है, पहले भी इन्होंने बहुत बार ऐसा किया है और भी बहुत सी कंपनियां हैं, सरकारी जितनी कंपनियां थी उनको प्राइवेट कर दिया और भी चीज़ें, अब तो ये बिल्कुल मतलब इन्होंने इतनी नीच हरकत की है, शिक्षा को भी प्राइवेट करने की कोशिश की है। तो हम इसी वजह से आज हम डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इनको ये जो 105 स्कूल जो हरियाणा सरकार ने बंद किए हैं इनको जल्दी से जल्दी बहाल करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब उठ के आएगा, गांव-गांव से शहर-शहर से उठ के आएगा और बहुत बड़ा आंदोलन शुरुआत होगी।